हमारा जो कामयाबी 6 गारंटी तेलंगाना में लागू किए, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आगादी का सरकार बने तो 5 गारंटी जो सुभाष बाबू दारे ने जो बात बोला था 5 गारंटी लागू कर गरीब लोगों को भला के लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं। ये पूरा इसी में है, हिंदी मराठी में आप हर घर घर में हमारे कार्यकर्ताओं को मेरा एक ही आदेश है, घर घर जाओ, हर घर से परिवार से मिलो, ये 5 गारंटी उन लोगों को समझा दो। आप कुछ करने का जरूरी नहीं है, बीजेपी वाले कहने पैसे हैं वो पैसे बांटेंगे, शराब भी बांटेंगे, मगर वोट तो आपको मिलने वाले 5 गारंटी के वजह से। खाली आप ये 5 गारंटी का ये चिट्ठी घर घर में देकर आओ। हमारे सुभाष बाबू दाटे ने 50,000 वोट से यहाँ पर राजौरी असेंबली विधानसभा में जीतने वाले, इतना भरोसा मुझे है, क्योंकि मैं खुद गांव गांव गए, गली गली गए, 6 गारंटी का हर घर में मैं चिट्ठी देकर आए, हर गारंटी से हर परिवार से मैं वादा लिए, ये 6 गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है, जिताने का जिम्मेदारी आपका है, बोल के हर परिवार से मैं पूछा, उन लोगों से वादा लिए, इसीलिए आज तेलंगाना में कांग्रेस के सरकार बने। भाई हमारे भाइयों से एक ही गुजारिश है, अगर ये वीरों का दर्द वीरों को जिताना है तो महाविकास आगादी को जिता दो। अगर आपके नाम खराब करने वाले धोखेबाज लोग हैं सामने वाले, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के वारिस लोग अगर सरकार में रहा, अगर राहुल गांधी जी के वारिस लोग सरकार में रहा तो गुजरात से कोई हिम्मत नहीं करेगा महाराष्ट्र को लूटने के लिए। वो लोगों को महाराष्ट्र लूटना है तो एकनाथ शिंदे कुर्सी में बैठना है, अजित पवार ने उनके मदद देना है, ये दो लोग रहा तो वो दो लोग आके आपके महाराष्ट्र को लूटने वाले हैं। ये दो के दो, चार के चार, 420 है, ये 420 लोग महाराष्ट्र लूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज इस चुनाव नहीं है, इस चुनाव ये चुनाव के हर बार चुनाव आते रहता है जाते रहता है, ये चुनाव चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक लड़ाई है। इस लड़ाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता वीर बनकर घर घर जाके कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और शरद पवार एनसीपी को जिताना है। हमारे शिवसेना हमारे भाई लोगों को मेरा एक ही गुजारिश है, बाला साहेब के वारिस असली लोग महाविकास आगादी को जिताने के लिए कोशिश करते। वैसे ही यहाँ पर अब आते वक्त हमारे मित्र प्रिय मित्र संपत ने कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, उनका काम है बीजेपी का बी टीम बनकर काम करने का, उनका कुछ नहीं है, उसका डिपॉजिट भी मिलने वाला नहीं है, उनका एक ही इच्छा है कैसे कांग्रेस पार्टी को हराना। ये जनता के जो प्रिय नेता है सुभाष बाबू धाड़े को कैसे गिराना, ऐसे लोगों को भरोसा मत करो, उनको एक भी अगर वोट दिया ना वो एकदम वेस्टर्न कोल फील्ड्स में जो कचरा में डाले तो क्या होने वाले, वही होने वाले, ऐसे लोगों को वोट दिए तो आपके वोट को खराब मत करो। आने वाले दिनों में अपना सरकार बनने वाले, 5 गारंटी लागू करने वाले, आप एक वोट दिए तो एमएलए के साथ साथ आपको दूसरा बोनस मिलने वाले, क्या है वो बोनस, तेलंगाना मुख्यमंत्री आपके भाई बनकर काम करने वाले, महाराष्ट्र में नहीं तेलंगाना हैदराबाद में भी आप लोगों को राजौरी से कोई भी हैदराबाद आए कुछ भी काम पड़े आपके भाई रेवंत रेड्डी आपके साथ खड़ा रहेगा। आप एक और दो सेवक मिलने वाले आपको, एक सरकार में सुभाष जी ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, वो मेरा जिम्मेदारी है, इनको जिता दो। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार में उन्हों जिम्मेदारी निभाएंगे, तेलंगाना सरकार में मुख्यमंत्री होकर मैं जिम्मेदारी लेता हूं। एक वोट से आपको दो सेवक मिलने वाले हैं, ऐसा बहुमत आप कहीं पर नहीं मिलने वाले। इसीलिए सुभाष जी जीत तो तय हो गए,
मगर मेरा गुजारिश है उनको 50,000 से ज्यादा मेजॉरिटी मिलना है। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? 50,000 वोटों से जिताने के लिए तैयार हैं? जो जो तैयार हैं हाथ उठाओ। एक हाथ रहा तो एक उठाओ, दो हाथ रहा तो दो उठा दो। जिसको जिसको दो दो हाथ है सब लोग साथ उठा दो। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों।